News 18, India. इसमें आप देखिए महिलाओं के योगदान को दर्शाया गया है, कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। सुनीता देवी जेना एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक उत्कृष्ट वैज्ञानिक सुश्री सुनीता देवी जेना कर रही हैं इसका नेतृत्व और इसमें कई उपलब्धियों को दर्शाया गया है। महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। हम सभी जानते हैं कि डीआरडीओ ने जिस तरह के काम किए हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनका कोई तोड़ नहीं है। और अब अर्धसैनिक और अन्य सहायक बल आपकी तरफ आते हुए, भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता ये आपके सामने है और ये धुन है सुरक्षा। बैंड दस्ते की कमान पापा नूर जी बाबू, उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन, एसओ आईसी बैंड प्रफुल्ल बसुमथरी, अधिकारी म्यूजिशियन, ड्रम मेजर और एडविक फेलिक्स रीव्स, अधिकारी म्यूजिशियन, ड्रम मेजर संभाल रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, जिन्हें हम समुद्र के प्रहरी भी कहते हैं, सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा इसका नेतृत्व कर रही हैं। तटरक्षक बल के तीन अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी इनका साथ दे रहे हैं। और अपनी स्थापना के बाद से आईसीजी भारतीय तट रेखा के 7,516 किलोमीटर के क्षेत्र में निरंतर निगरानी की गई है। रोकथाम जो है भारतीय तटरक्षक बल के तरफ से की जा रही है। इसका आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। और अब आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बैंड इस वक्त नजर आ रहा है, सीमा सुरक्षा बल का महिला ब्रास बैंड। सब इंस्पेक्टर श्वेता सिंह की कमान में कुल 83 महिला सेनानी गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भाग ले रही हैं और ये भारत के जवान धुन बजा रहा है। और महिला प्रहरियों को इस बैंड में 2009 में शामिल किया गया था, माफ कीजिएगा, जो मार्चिंग दस्ता आ रहा है उसमें जो महिलाओं की भर्ती है। इस महिला ब्रास बैंड ने पहली बार 29 जनवरी 2023 को विजय चौक नई दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट समारोह में भाग लिया था। और मैं जो तारीख बता रही थी वो सीमा सुरक्षा बल का जो मार्चिंग दस्ता इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं इस वक्त CISF का असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाखरा जो है वो इस वक्त इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है। यह है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का बैंड दस्ता और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कांस्टेबल कश्यप मोनिका नरेंद्र, वो नेतृत्व उनका है। ये बैंड राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति CISF की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। देश के हम हैं रक्षक, 100 उत्साही महिलाएं उस धुन को बजाते हुए इस वक्त आगे बढ़ रही है। और ये देखिए अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमन खड़े होकर सबका हौसला अफजाई करते हुए। और अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता, नेतृत्व सहायक कमांडेंट तन्मयी मोहंती कर रही हैं और इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। हम आज वाकई देख रहे हैं कि किस तरह से नारी शक्ति वो अपना प्रदर्शन कर रही है। और ये आम तौर पर हम देखते थे कि इसमें पुरुष कर्मी होते थे, जहां आज हम महिला कर्मियों को देख रहे हैं। और ये देखिए ना, ताली बजाकर स्वागत करते हुए सलामी मंच के सामने अब पहुंच। और अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड, कांस्टेबल सोसा अल्पा बेन की अगुवाई में ये बैंड देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। और इस महिला बैंड दस्ते में 100 महिला सेनानी शामिल हैं। और पहली दफा आपने बैकपाइपर्स देखे होंगे, महिला बैकपाइपर्स आपको दिखाई दे रही थी, 100 महिलाएं इस वक्त इस बैंड को बजाते हुए। और देखिए
अलग सा उत्साह आपको दिखाई दे रहा है, वो रोमांच आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि महिलाओं की ताकत, वो शक्ति इस वक्त कर्तव्य पथ पर नजर आ रही है। और अब है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला मार्चिंग दस्ता। विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर इसका नेतृत्व कर रही हैं और इसका आदर्श वाक्य है सेवा एवं निष्ठा। सीआरपीएफ दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जी, लगभग 3,34,000 से ज्यादा जो है अधिक कर्मी इसमें मौजूद है और 246 बटालियन इसमें हैं। बहुत बड़ा दस्ता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बैंड कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में हिम वीरांगनाएं गर्व से सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च कर रही हैं। बैंड के पीछे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग दस्ता, इसका नेतृत्व सहायक कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ सैन्य अधिकारी महिला सेनानी और 144 अन्य रैंक महिला सेनानी शामिल हैं। आईटीबीपी वीरता और बलिदान की एक दुर्जय गाथा का सार प्रस्तुत करती है। हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। अब इसके बाद ये कमांड देंगे। इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ विमेन एट कर्तव्य पथ सशस्त्र सीमा। रूबिका, ये चीजें भी ऐसी लगती है देखने में कि इसके पीछे क्या ये जादू होता है, कोई तिलिस्म है या क्या है, कितना इनका तालमेल होता है, जैसे कोई एक मशीन चल जाती है आप बटन दबाते ही। ये जो कर्तव्य पथ पर मार्च पास्ट आप देख रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। आप सोचिए कितनी मेहनत, कितनी लगन के साथ ये सब आपको इस वक्त कर्तव्य पथ पर अपना कर्तव्य निभाते हुए दिखाई दे रही है। सशस्त्र सीमा बल किस दस्ते को आप देख रहे हैं, जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, ये धुन बजाई जा रही है। इंस्पेक्टर जया शर्मा के नेतृत्व में playing an important role in the Naxal affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. और देखिए अब सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का मार्चिंग दस्ता डेप्यूटी कमांडेंट नैंसी सिंगला के नेतृत्व में है और इसका आदर्श वाक्य है सेवा, सुरक्षा और भाईचारा। दिल्ली पुलिस बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द परेड। दिल्ली पुलिस मार्चिंग दस्ता पहली मर्तबा आदर्श वाक्य के साथ शांति, सेवा और न्याय। दिल्ली पुलिस का मार्चिंग दस्ता इस वक्त बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट। आप देखिए ये जब खत्म हो जाएगी मार्च पास्ट, जब खत्म हो जाएगा तब एक विनर भी घोषित होता है कि सबसे खूबसूरत मार्च पास्ट इसने किया, शानदार कदम ताल था, किसी तरह की एक बीट को भी मिस नहीं किया है। तो सबसे ज्यादा जो है वो ये दिल्ली पुलिस वाला जो दस्ता है उसने हासिल किया है। और शुरू से लेकर अब तक देखिए, शुरू से अब तक ये मार्चिंग दस्ता भाग ले रहा है और इसका आदर्श वाक्य शांति से वार लिया है। ऊंट आए हैं प्रदीप जी आपके राजस्थान से। डेप्यूटी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान के तहत बीएसएफ के शाही ऊंट मनोहर सिंह आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार अपने सजे हुए ऊंटों के कारवां के साथ भाग ले रही है। तो ये रेगिस्तान के जहाज है, ऊंट रेगिस्तान के थार, रेगिस्तान और कच्छ में भी पाए जाते हैं, केवल राजस्थान नहीं, कच्छ, गुजरात के कच्छ से भी आते हैं, वो दुर्गम इलाके हैं। और ये जो ऊंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये विशेष ऊंट है, ये सीमा पर तैनात जवानों का सबसे भरोसेमंद साथी, एकमात्र बेस्ट फ्रेंड जिसे आप कह सकते हैं। आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य। और इनके ठीक पीछे
भारत में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों द्वारा भी BSF ऊंट दल के प्रदर्शन की बहुत सराहना की गई थी। और इसी ऊंट पर सवार सीमा सुरक्षा बल का ऊंट बैंड आपको दिखाई दे रहा है। बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय इसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये बैंड जो धुन बजा रहा है वो है हम हैं सीमा सुरक्षा बल बहादुरों का दल। पहली बार 1990 में गणतंत्र दिवस परेड जो हुई थी तब इस सीमा सुरक्षा बल के ऊंट बैंड ने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। ऊंट पर सवारी करना ही कठिन होता है और उस पर बैठकर बैंड बजाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती। NCC में हम हर साल देखते हैं छात्राओं का मार्चिंग दस्ता, लेकिन इस बार दो मार्चिंग दस्ते हैं NCC की महिलाओं के। राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता और उसके बाद आएगा राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का संयुक्त बैंड। फिलहाल कर और गोवा निदेशालय से सीनियर अंडर ऑफिसर पुण्या पुन्नम्मा के नेतृत्व में ये मार्चिंग दस्ता कर्तव्य पथ पर इंडिया गेट की तरफ आगे बढ़ता हुआ चरित्र और सामुदायिक विकास नेतृत्व और साहस के प्रति प्रतिबद्धता के साथ NCC के लगभग 17 लाख कैडेट्स हैं पूरे हिंदुस्तान में। मुझे खुशी है कि मैं भी इसका एक हिस्सा रहा हूं NCC का। अरे वाह, NCC दुनिया के सबसे बड़े युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक है, इसे ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय कैडेट कोर बैंड का प्रतिनिधित्व छात्राएं कर रही हैं। सीनियर अंडर ऑफिसर यशस्विका गौड़ और अंकिता शर्मा कर रही हैं इनका नेतृत्व। सारे जहां से अच्छा की धुन है। और अब राष्ट्रीय कैडेट कोर की छात्राओं का मार्चिंग दस्ता इस वक्त दूसरा दस्ता त्रिसेवा। त्रिसेवा इसका नेतृत्व उत्तर प्रदेश निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर तनु तेवतिया कर रही हैं। ये NCC के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि राष्ट्र निर्माण में पहली बार नारी शक्ति के योगदान को दर्शाते हुए समस्त छात्राओं का दल कर्तव्य पथ पर मार्च कर रहा है। जय हो। अच्छा, ये NCC कैडेट्स का जो आदर्श वाक्य है वो सारे जहां से अच्छा है और इसीलिए वो धुन भी बज रही थी। अब राष्ट्रीय सेवा योजना का मार्चिंग दस्ता आपके सामने। 200 महिला स्वयंसेवी शामिल है इस दस्ते में, बहुत बड़ा दस्ता है। गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय से सिक्किम की रेजिना तमांग की कमान में ये दल मार्च कर रहा है। देश भर में युवा भारत सशक्त भारत ये इनका आदर्श रहा है। और राष्ट्रीय सेवा योजना जो है वो उसका आदर्श वाक्य है मैं नहीं बल्कि आप। 657 विश्वविद्यालय, 51 निदेशालय, 2 परिषदों, 20,669 कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों, 11,998 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से लगभग 3.9 मिलियन स्वयंसेवक शामिल हैं। और अब उनके पीछे मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता देशों का सरताज भारत धुन बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। 120 वादकों का नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर राजकुमार राम और AMC सेंटर एवं स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। इनकी धुन सुनने में अलग ही आनंद आता है। रूबिका, आपको याद होगा पहले हाथियों पर जो हमारे वीर बालक हैं वो आते थे और उन्हें बहादुरी के पुरस्कार मिलते थे, लेकिन अब बहादुरी के साथ साथ कला और संस्कृति, नवाचार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, खेलकूद, इसमें भी उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो ये सारे बच्चे इस वक्त इन गाड़ियों में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को इस वक्त आप देख रहे हैं और इनमें 10 बालक 9 बालिकाएं शामिल हैं। एक को मास्टर आदित्य विजय ब्रह्मणे को
मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया।